हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि स्वदेशी का मतलब ये नहीं कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए। इसके क्या मतलब निकाले, तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं कि कहीं संघ की विचारधारा तो नहीं बदल गई। क्या संघ का जो आत्मनिर्भर वाला जो सपना है या संघ का आत्मनिर्भर वाला जो बयान है वो कहीं धूमिल ना पड़ जाए, वो कहीं पीछे ना हो जाए। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और संघ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सर, मोहन भागवत जी का जो बयान है उसको उसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, वास्तव में स्वदेशी की जो अवधारणा है, जो 1907 में अवधारणा थी, वही 2020 में अवधारणा नहीं रह सकती है। स्वदेशी एक गतिशील विचार है और व्यवहार है। 1907 में जब हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया तो इंग्लैंड की बनी सभी वस्तुओं की हमने होलिका दहन की, उसे बहिष्कार किया। आज स्थिति यह है कि इस देश को अधिकतम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। जो स्थानीय उत्पादन है, स्थानीय प्रतिभा है और स्थानीय संसाधन है, उसका उपयोग करके पर निर्भरता को समाप्त करना। लेकिन स्वदेशी अवधारणा का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि पूरी तरह से दुनिया से कट जाना। आज के समय में जब भारत का जीडीपी का 48% 2016 में ट्रेड के द्वारा होता था और हम 7000 वस्तुओं का निर्यात और 6000 वस्तुओं का आयात करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना है कि हम आयात को न्यूनतम करें और उस न्यूनतम करने के लिए ही हम अपने संसाधनों का, अपनी प्रतिभाओं का, अवसरों का उपयोग करें, जो प्रधानमंत्री जी ने लोकल से वोकल कहा। लेकिन जो ग्लोबल सोसाइटी है, जो एक वैश्विक समाज है, उस वैश्विक समाज के हम अभिन्न हिस्सा बने रहें। अब जो हमारी अत्यंत ही आवश्यकता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, तो उसके लिए भी हम उस किसी विचार के नाम पर कट जाना और उससे वंचित रहना, यह स्वदेशी की अवधारणा नहीं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ वैश्विक संबंध, ये दोनों ही स्वदेशी की वर्तमान अवधारणा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, वोकल से लोकल से वोकल, तो जब ये बात आप करते हैं और फिर दूसरी तरफ आप जब विदेशी सामानों का आयात करते हैं, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? दोनों कहीं ना कहीं, अगर आप जब विदेशी सामानों की का ज्यादा आयात करेंगे तो आप लोकल जो चीजें हैं उसको कैसे आप प्रमोट कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा। पिछले लगभग 250 सालों से, और जिसमें आजादी के पिछले 50-60 साल भी शामिल हैं, हमने सुई से लेकर कंप्यूटर तक विदेशों पर अपने आप को निर्भर कर दिया। पहल, प्रतिभा और पैसा, तीनों के मामले में हम एक आलस्य भाव दिखाते रहे। इसके कारण ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, ड्रेन ऑफ ब्रेन ड्रेन भी हुआ, हमारी प्रतिभाएं भी बाहर गई और हमारी धन संपदा भी बाहर गई। आज प्रधानमंत्री जी ने जो लोकल से वोकल कहा है, उसका तात्पर्य है ब्रेन ड्रेन को रोकना। हमारी प्रतिभाएं अमेरिका जाकर, ऑस्ट्रेलिया जाकर, फ्रांस, जर्मनी जाकर जो काम करती हैं, वो काम करने का अवसर यहां देना। दूसरा, हमारे पास जो संसाधन है, कच्चे माल हैं, संसाधन हैं और बाजार है, उसका भरपूर उपयोग करके भारत को अधिकतम आत्मनिर्भर बनाना। उस आत्मनिर्भरता का तात्पर्य ना प्रधानमंत्री जी का ना मोहन भागवत जी का है कि दुनिया से कट जाना। जहां तक चीन का मसला है, बीच में एक चीन का मसला आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह घोषित नीति आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों से रही है, चीन भारत की आर्थिक संप्रभुता पर लगातार हमला कर रहा है। यही कारण है कि सभी सरकारों ने, जिसमें चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, एंटी डंपिंग कानून बनाया, जिसके तहत चीन के मालों की जो डंपिंग भारत में होती थी, प्राइस कम करके, और वो एक तरह से भारत में कंपटीशन को समाप्त करने की जो उनकी नीति थी, उसके खिलाफ कानून बनता रहा। लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी ने जब लोकल से वोकल कहा और संघ ने जब कहा कि चीन का बहिष्कार करो, तो इसका साफ तात्पर्य है कि चीन एक अपवाद स्वरूप है, उसकी सारे सामानों का बहिष्कार करके भारत की आर्थिक संप्रभुता में पर हो रहे हमले से भारत को बचाना और चीन को एक सबक सिखाना। केवल अभी जो हम लोग की अवधारणा वो चीन तक ही सीमित है, बाकी विदेशी जो मामले हैं, जब विदेश जो दूसरे देश हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार रहना चाहिए जैसे वैश्विकता के साथ पहले चल रहा था, और उसके साथ रहते हुए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करना है। देखिए, पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है जिसमें आयात निर्यात है, दुनिया में एक जीवंत संबंध है। उस जीवंत संबंध में औपनिवेशिक
प्रकार का संबंध ना हो कि भारत किसी बड़े देश में, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, उसके नीचे दबा हुआ है। हम अपनी शर्तों पर व्यापार करें और जहां पर भी गुंजाइश हो, और जहां गुंजाइश नहीं हो गुंजाइश पैदा करके अपने सामानों का उत्पादन करें, अपनी सेवाओं का को हम तैयार करें, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े और पर निर्भरता कम हो। और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का तात्पर्य यह नहीं है कि दुनिया से कट जाना। भारत कभी भी एंटी ग्लोबल नहीं रहा है, रिवर्स ग्लोबलिज्म की का पैरोकार नहीं रहा है, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड को भारत एक लोकतांत्रिक तरीके से देखना चाहता है, जिसमें विकासशील देश का कथित रूप से जो विकसित देश हैं वो शोषण ना कर सकें, दोहन ना कर सकें। तो मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आत्मनिर्भरता को 100% प्राप्त करना और दुनिया के साथ संबंधों को बनाए रखना। सवाल, चूंकि कल आपने देखा होगा बेंगलुरु में जिस तरह घटना हुई, वहां पे थाना जला दिया गया, एक विधायक का घर जला दिया गया, कई गाड़ियां जला दी गई, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और 3 लोग उसमें मारे भी गए हैं। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई, कांग्रेस विधायक के यहां हमला हुआ, लेकिन अब तक कांग्रेस के जो की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना ही कोई ट्वीट आया, जबकि आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी ऐसे मामले होते थे वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया देते थे। देखिए, बेंगलुरु की घटना ने कांग्रेस को पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता सापेक्ष पार्टी है, यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने सिद्धांतों, विचारों और व्यवहारों को गिरगिट की तरह बदलती रहती है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का इस पर बयान नहीं आना, इतनी बड़ी हिंसा हुई जो सुनियोजित थी, और दुर्भाग्य से कांग्रेस के ही विधायक जो दलित समाज के थे उनके घर पर हमला हुआ, पूरे बंगलुरु की आम जीवन को निरस्त करने की कोशिश हुई, और कोशिश यह थी कि यह दंगा पूरे देश में भड़के। इस पर उनकी चुप्पी 2 बातों को बताती है कि कांग्रेस पार्टी अब अल्पसंख्यक तुष्टिकरण से आगे बढ़कर जिहादी तुष्टिकरण की ओर बढ़ गई है। जो लोग जिहादी गतिविधियां करते हैं, जिहादी बातें करते हैं, आज कांग्रेस उनके प्रति अपनी चुप्पी बरतकर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उनको समर्थन और वैधानिकता दे रहा है। राहुल गांधी ने SDPI पर प्रतिबंध की मांग क्यों नहीं की, हिंसा होने के बाद उन्होंने इसकी निंदा क्यों नहीं की, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो वोट बैंक की राजनीति से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी ही नहीं है बल्कि वे तमाम लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जो शाहीन बाग में भारत के संविधान की प्रतियां बांटते थे और पढ़कर कहते थे संविधान ही सर्वोच्च है। आज वो संविधान की प्रतियां कहां गई हैं, ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी से ही नहीं है, उनके समर्थक बुद्धिजीवियों से भी है। माना जाए कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, मैंने कहा कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और मुस्लिम तुष्टिकरण से कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ गई है। जो जिहादी तबका है उसके प्रति समर्थन व्यक्त करके चुप्पी रखकर उनकी गतिविधियों पर कांग्रेस पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि हर हालत में वह मुस्लिम आतंकियों के और जो लोग इस तरह के कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं उनका वो समर्थन करती है। यह समर्थन सामान्य मुस्लिम समाज के प्रति नहीं है, देश में सामान्य जनजीवन को समाप्त करना और देश के संविधान को चुनौती देना, इस तरह की गतिविधियों का समर्थन करके कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में एक काला धब्बा लगा दिया है। सवाल, चूंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में PFI का रोल है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बातें स्पष्ट हो गई हैं, जैसे वहां के संगठनों ने आज चुनौतीपूर्ण संदेश दिया कि हम ऐसा करेंगे, हमारी भावनाओं को भड़काया जा रहा है। देखिए, जो कोई भी भावना को कथित रूप से भड़का रहा है उस पर कानून कार्रवाई करती है। जो देश संविधान के अनुसार चलता है, जो रूल ऑफ लॉ से चलता है, उसमें किसी भी निजी संगठन को, निजी व्यक्ति को कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यह बात यदि किसी एक धर्म के लोगों पर लागू होता है तो दूसरे धर्म के लोगों पर ही लागू होता है। मुस्लिम समाज का एक तबका अपने आप को अपवाद मानकर और अपने आप को विशेषाधिकार से युक्त करके जो इस प्रकार का बयान दे रहा है वह उस समाज को भी क्षति पहुंचा रहा है, देश के संवैधानिक व्यवस्था को, पंथ निरपेक्षता को और देश के उदार लोकतंत्र को भारी हानि पहुंचाई जा रही है।
बात करने के लिए। फिर राकेश सिन्हा जी साफ तौर पर कह रहे हैं बेंगलुरु की घटना इस देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रही है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।